Hello everyone, my name is Urvashi Tiwari. This is chapter number 2, Adaptations for Survival in Plants. In this video, we will discuss about mangrove tree. As you can see here, a boy is thinking, what is it? This is tree of mangrove. ये mangrove tree है और आपको यहाँ दिख भी रहा होगा ये underwater क्यों है, ये पानी के ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे पानी पर ही क्यों है, अगर पानी पर है तो इसे terrestrial क्यों बोलते हैं. In this video we will discuss these facts कि यहाँ पे ये पानी में है फिर भी इसको हम terrestrial plant बोलते हैं और mangrove tree के facts के बारे में discuss करेंगे. So before proceeding, please like and subscribe my YouTube channel for latest updates. So as you can see here, this is the picture of mangrove tree. आप यहाँ देख रहे हैं mangrove tree है. This is mangrove tree और यहाँ पे देखिए ये पानी के अंदर है mangrove tree. This is also mangrove tree. This is also आप इसके roots देखिए. See the roots. So let us start. In previous video we have discussed about plants adapted to grow in plains. Yani plains mein kaise plant hote hain, inko discuss kiya tha. And plants adapted to grow in desert, yani Registan mein kaise plant apne aap ko adapt karte hain rehne ke liye, wo padha tha. And plants adapted to grow on hills, yani pahadon par jaise ped kaise ugte hain, ye humne discuss kiya tha. तो दिस इज़ फोर्थ फैक्टर, प्लांट्स अडाप्टेड टू ग्रो इन मार्शी प्लेसेस. मार्शी प्लेसेस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है दलदला वाला क्षेत्र. इन दलदली क्षेत्र पर कैसे प्लांट अपने आप को ग्रो करता है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे. तो आपको पता है दलदला वहाँ पर होगा, मार्शी प्लेस वो होगा जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा. मैंग्रोव ट्री इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज, यानी जो दलदली क्षेत्र पे मैंग्रोव ट्री एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत आम एग्जांपल है, उदाहरण है कि जो मार्शी प्लेस होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव ट्री ज़्यादा मात्रा में होते हैं. दीज आर द एरियाज वेयर सॉइल इज़ क्ले एंड वेरी स्टिकी. इन एरिया में जो सॉइल होते हैं यानी मिट्टी जो होती है वो बहुत चिकनी होती है और बहुत स्टिकी यानी बहुत चिपचिपी होती है. क्ले मतलब चिकनी और स्टिकी मतलब चिपचिपा. क्यों होता है? ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट, क्योंकि इसमें पानी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है. पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी चिकनी होती है और चिपचिपी होती है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच एरियाज डू नॉट गेट सफिशियंट एयर. अब आपको मैं बता दूं, अगर पानी की ज़्यादा मात्रा होगी तो वहाँ पे एयर की जो कंटेंट होगा वो कम होगा. तो एयर का कंटेंट यहाँ कम होता है और पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है. सो द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच एरियाज डू नॉट गेट सफिशियंट एयर. अब पानी ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ की जो जड़ें होती हैं उनमें जो है ज़्यादा एयर नहीं पहुंच पाती, ज़्यादा मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाती है और हवा भी जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो इस जगह पे जो है ज़्यादा हवा नहीं पहुंच पाती है. सो दस दीज प्लांट्स डेवलप एंड गिव आउट ब्रीदिंग रूट्स दैट हेल्प देम टू ब्रीद. इसी वजह से ना ये जो इनकी जो जड़ें होती हैं, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो इन्हें सांस लेने में मदद करती हैं. इन पौधों की जड़ों की वजह से सांस लेने में इनको मदद मिलती है. अब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे फर्दर. अभी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, जो इसके फैक्ट्स हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे. आपके जो चैप्टर में मार्शी प्लेसेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, बट इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे भी बताना चाहूँगी आपको. सी हियर, दिस इज मैंग्रोव लीफ. ये मैंग्रोव की लीफ है. अब मैंग्रोव की लीफ में आप ये जो साइड में आप देख रहे हो ये क्या है, व्हाट इज़ इट? तो अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सम फैक्ट्स अबाउट मैंग्रोव, मैंग्रोव के बारे में कुछ फैक्ट्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज एरिया, यानी किस एरिया में ये पाया जाता है. अब देखिए उस एरिया में पाया जाएगा जहाँ पानी ज़्यादा होगा, यानी पानी जहाँ ज़्यादा होगा इट मीन्स कोस्टल एरिया के पास में,
जैसे आपको मुंबई इन सब जगह पे, मुंबई सुंदरवन इन सब जगह पे ये ज़्यादा पाया जाता है मैंग्रोव ट्री। एंड सॉल्ट, इस जो आपका ये मैंग्रोव ट्री होता है इसमें सॉल्ट का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज यू कैन सी हियर दिस लीफ, अभी मैंने आपको दिखाई थी, तो इस लीफ में जो वाइट वाइट कंटेंट आपको दिख रहा है, ये वाइट वाइट कंटेंट एक्चुअल में ये होता है सॉल्ट, यानी यहाँ पर सॉल्ट की जो सॉल्ट ज़्यादा पाया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि जब वो एयर उसमें जो मैंग्रोव ट्री है उसकी रूट से जब एयर अंदर जाएगी तभी वो प्रॉब्लम आपको ऑक्सीजन भी डिलीवर कर देगा। इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव ट्री, अब देखिए मैंग्रोव ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट 2004 के पहले एक सुनामी आया था, तो सुनामी में जो है बहुत सारी कंट्रीज बह गए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैंग्रोव ट्री बहुत ज़्यादा काट लिए गए और या फिर वहाँ पे मैंग्रोव के जो ट्री थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से वहाँ पे बाढ़ आने की वजह से बहुत सारी मिट्टी बह गई, बहुत सारे घर बह गए। इस वजह से जो मैंग्रोव ट्री होती है, जिस पर्टिकुलर एरिया में मैंग्रोव ट्री लगी होती है वहाँ पर जब पानी आता है तेजी से, तो जो पानी की स्पीड होती है वो मैंग्रोव ट्री कम कर देता है, जिसकी वजह से जो बाढ़ होता है, बाढ़ जब आती है ना तो पर्टिकुलर वो एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। इस वजह से 2017 के बाद भी रिपोर्ट में ये देखा गया, जो 2017 फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें ये देखा गया कि जो मैंग्रोव की जो ट्री है वो अब कुछ मात्रा में बढ़ने लगी है और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी करती है, ताकि मैंग्रोव ट्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे जो है हमारे देश को बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, वाइल्ड लाइफ। अब आपको पता है कि यहाँ पे इसकी जो प्लांट, मैंग्रोव के प्लांट की वजह से यहाँ पे बहुत इतना घना जंगल होता है और इतनी ज़्यादा टफ रूट सिस्टम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो आ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे मैंग्रोव ट्री जहाँ होता है वो पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे जीव निवास करते हैं, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो हमारे व्यापारिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए जो नई नई प्रजातियाँ होती हैं, वाइल्ड लाइफ सिस्टम भी वहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े जानवर आ नहीं पाते, इसलिए वहाँ पे छोटे जानवर बहुत आराम से रह पाते हैं। और आपको पता है कि इसका जो रूट सिस्टम होता है उसी की वजह से वो ब्रीदिंग लेती है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, रीच अबाउट मैंग्रोव ट्री। आप मैंग्रोव ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए मैंग्रोव ट्री के बारे में वो भी आप पढ़ेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।